हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शिकायत रहती है गर्दन के दर्द की, यानी गर्दन के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें दर्द रहता है, सूजन आ जाती है। और क्या होता है, काफ़ी बार हम झुक के कोई काम करते हैं तो उसकी वजह से गर्दन में दर्द और बढ़ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऐसा होता क्यों है। क्या होता है दोस्तों, जब हम बहुत देर तक ऐसे गर्दन झुकाकर फ़ोन चला रहे हैं या फिर लैपी में अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं या ऑफिस का कोई वर्क कर रहे हैं, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बने रहते हैं। और वो ये पोजीशन होती है कि जो बिल्कुल सही नहीं होती है, ये हमारे पोस्चर को गलत करती है। और काफ़ी बार क्या होता है कि हम सोते भी गलत तरीके से हैं, यानी गर्दन के नीचे या तो तकिया लगा लेते हैं, मोटा तकिया, इससे भी गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैठे बैठे इन एक्सरसाइज को फॉलो करना है। और ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि आपको गर्दन के दर्द में बहुत हद तक लाभ देंगी, आपको रेस्ट देंगी और बहुत आराम मिलेगा आपको। दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप समझ सकें कि इजी कौन कौन सी ये एक्सरसाइज हैं जो कि आपको मदद करेंगी आपके गर्दन के दर्द में। और आपको लाइफ टाइम के लिए दर्द नहीं होगा अगर आप एक महीने तक इन एक्सरसाइज को रोज फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना है, यानी आपस में इस तरीके से जोड़ लेना है। अब यहीं से करना क्या है, आपको दोनों हाथ को पीछे ले जाना है, अपने ये फॉरहेड वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको लेके जाना है। अब यहीं से ध्यान रखेंगे आपकी एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए, एल्बोज एकदम सीधी रहेंगी, गर्दन एकदम टाइट, हाथों का प्रेशर पूरा गर्दन पे जाना चाहिए। इससे होगा क्या, आपके गर्दन के हिस्से में बहुत ही अच्छा प्रेशर, यानी जितनी हमारी नेक की बोन्स हैं उन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव जाता है। आपको 20 सेकंड तक बने रहना है इसी पोजीशन में, हाथों पर एक टाइट आपको प्रभाव बनाए रखना है, यानी आपकी उंगलियां एकदम टाइट रहनी चाहिए आपके गर्दन पर। धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। दोस्तों, आपको हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए आना है 3-3 बार, यानी आपने इस तरीके से जैसे देखा मैंने आपको यहाँ पे फॉलो रुकने के लिए बोला है, आपको 20 सेकंड तक रुकना है और हर एक एक्सरसाइज को आपको 3 बार फॉलो करना है। इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। अब आते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, हाथ हमारे दोबारा से इंटरलॉक हो जाएंगे। अब लगाना कहाँ है आपको, अपने फोरहेड वाले पार्ट पे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इन एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी रहे, बिल्कुल झुक के नहीं बैठना है, इसका आपको खास कर ध्यान रखना है। इंटरलॉक कर लेंगे, अपने फॉरहेड पे लगाएंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी टाइट रहनी चाहिए। अब यहीं से हाथों का प्रेशर पीछे की तरफ देना है आपको, ताकि आपका जो प्रेशर है वो नेक पे अच्छी तरीके से जाए। इस तरीके से गर्दन पर बहुत अच्छा प्रेशर मुझको महसूस हो रहा है, आप करेंगे आपको भी होगा। हाथ एकदम टाइट रहने चाहिए, ढीला नहीं छोड़ना है अपने हाथों को। 20 सेकंड तक आपको यहीं पर होल्ड करके रखना है। धीरे से रिलैक्स, 3 बार आपको फॉलो करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। आते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। यूज करना है आपको अपने लेफ्ट पाम का, लेफ्ट पाम को यानी लेफ्ट वाले हाथ को, हथेली को आपको लगा के रखना है अपने लेफ्ट वाले साइड में, यानी हेड के लेफ्ट वाले साइड में लगा के रखना है। इस तरीके से एल्बो एकदम सीधी रहे, इसका ध्यान रखना है, इसको आगे की ओर नहीं झुकाना है, कानों की दिशा में एकदम सामने रहने चाहिए। 20 सेकंड तक होल्ड करना है, प्रेशर देना है अपने हेड पे, पूरा प्रेशर देना है, बने रहेंगे 20 सेकंड तक। रिलैक्स, दूसरे हाथ से सेम प्रोसेस करते हुए आना है आपको, प्रेशर दे देना है, एल्बो एकदम सीधी रहे, ध्यान रखेंगे 20 सेकंड तक बने रहना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। धीरे से रिलैक्स,